तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं जो 11th क्लास का चौथा चैप्टर है, इसमें आपको सहसंयोजी आबंध देखने को मिलेगा। तो सहसंयोजी आबंध क्या है, आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सहसंयोजी आबंध। इससे पहले आपने जो है, इससे पहले वाली वीडियो हमने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाया था, लुईस संरचना पढ़ाई थी और अष्टक नियम के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। साथ ही साथ फॉर्मल आवेश कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, मान लीजिए इसको सबसे पहले सहसंयोजी आबंध का प्रयोग किसने किया, तो लैंगयूमर ने जो है इसका प्रयोग किया। किसने किया? लैंगयूमर। लैंगयूमर ने क्या प्रयोग किया, जो लुईस संरचना थी इसमें सुधार किया। किसने? लैंगयूमर ने। जो पहली लुईस संरचना थी इसमें सुधार करके जो है लैंगयूमर ने क्या किया, क्या दिया? सहसंयोजी आबंध, यानी कि परमाणु जो है सहसंयोजी आबंध कैसे बनाते हैं, तो कैसे जो है एक दूसरे से वह बंध बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या नोट करनी है, सहसंयोजी आबंध होता क्या है, यानी कि जब दो जो परमाणु जो है आपस में जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके जो है अपने जो है अपना अष्टक नियम पूरा करते हैं, इसे ही सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या होता है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी कि दो परमाणु के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन Cl2 हम लेके चलते हैं, ये है क्लोरीन। क्लोरीन के दो परमाणु हमने लिए, ठीक है। अब इनमें जो है इलेक्ट्रॉन Cl2 बना कैसे, इसका अष्टक नियम कैसे पूरा हुआ, उत्कृष्ट गैस इसने कैसे प्राप्त की, हमने इससे पहली वाली वीडियो में चर्चा की थी। यानी कि जिनके बाह्य कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो क्या करेंगे, उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करेंगे, यानी कि उत्कृष्ट गैस के लक्षणों में प्राप्त होंगे। यहीं पर हम अगर Cl2 की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 17। कितना होता है? 17, ठीक है। 17 परमाणु क्रमांक होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालोगे तो 2, 8, 7। हमने लुईस संरचना पढ़ी थी कि यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, यानी कि 2 परमाणु है क्लोरीन के यहाँ पर। तो एक क्लोरीन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने कहा था बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7। लुईस बिंदु संरचना आपने क्या पढ़ा था, यानी कि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उन्हें जो है बिंदु के रूप में दर्शाने हैं, यही क्या थी, लुईस बिंदु संरचना। तो आइए लुईस बिंदु संरचना के माध्यम से हम जो है इसमें 7 बिंदु दर्शा लेते हैं, 2, 4, 5, 6 और 1, 7। अब प्लस, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं। अब इसमें भी क्लोरीन के 2 अणु हैं, एक हमने यहाँ लिया, एक यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको चिपका देना है, कितने, 7। अब क्या करेगा, अब जो है अष्टक नियम ये कैसे पूरा करेगा, कैसे जो है अपना ये अष्टक नियम पूरा करेगा जिससे यह Cl2 बन जाए, कैसे। तो यह जो है क्या करता है, सहसंयोजी आबंध यही बताता है, दो परमाणुओं के बीच जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या होगा, आपका क्या बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। क्या करेगा, ए वाला क्लोरीन जो है, ए वाला क्लोरीन ये क्या करेगा, इससे जो है ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इससे ले लेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया इलेक्ट्रॉन इसने, ले लिया। तो इसका कितना हुआ, अष्टक नियम इसका पूरा हुआ। सेम यही जो क्लोरीन है यह भी क्या करेगा, यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों इनके बीच में क्या बन जाता है, सहसंयोजी आबंध। इसी को जो है सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आपको क्या करना है, इस बिंदु को इसके साथ जोड़ देना है यूं गोला करके, और दूसरे इस बिंदु को इसके साथ इस प्रकार से जोड़ देना है। तो इस प्रकार से क्या बनती है, क्लोरीन की संरचना। क्लोरीन की संरचना कैसे बनती है, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ए है, इन दोनों के बीच में आबंध बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए क्या बनेगा, ए है दोस्तों Cl2। Cl2 की संरचना कैसी होती है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl,
ठीक है। तो ये है क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। ये जो आबंध बना यहां पर, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सहसंयोजी, क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध जो है इसे हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान परमाणुओं में, दो परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान की क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और यह संरचना किसने दी थी, लैंग्यूमर ने जो है यह लैंग्यूमर ने यह दिया था, इसका प्रयोग किसने किया था, लैंग्यूमर ने किया था। किस लिए, मतलब जो लुईस संरचना थी, जो लुईस बिंदु संरचना थी, उसी में जो है संशोधन करके जो है इन्होंने यह सहसंयोजी आबंध दिया कि दो परमाणु आपस में बंध कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। इसको जो हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ये हमने क्लोरिन का लिया, जल का ले लेते हैं। जल का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6, यानी कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम बीच में ऑक्सीजन लिख देंगे, यहाँ पर हम इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा देंगे। आप पेयर में दर्शा सकते हैं, यहाँ पर जो है इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कैसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन लेना है तो हम जो है क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दर्शाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दर्शाएंगे, क्योंकि इसके जो है अभी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसको, बाह्य कोश में +2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन के कितने अणु है, कितने परमाणु है हमारे पास, 2 परमाणु है। कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 परमाणु है। तो मान लीजिए हम हाइड्रोजन कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन की लुईस बिंदु संरचना क्या होगी, इसमें परमाणु क्रमांक 1 होगा, तो लुईस बिंदु संरचना भी इसकी 1 होगी, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसमें बिंदु लिखेंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना अष्टक नियम पूरा कैसे करेगा, यानी कि इसके पास बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यह अपना अष्टक नियम कैसे पूरा करेगा, यह अपना अष्टक नियम कैसे पूरा करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से टनम टन टनम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लूंगा, बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से ले लूंगा, तब जो है मेरा कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन में इस वाले से ले लूंगा, ले लिया दोनों से ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से ले लिया, 1 इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये वाला 7 और दूसरा ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी भैया, तो ऑक्सीजन के जो है हमारे, आप बोलोगे कि हाँ जी ऑक्सीजन ने तो अष्टक नियम पूरा कर लिया, ऑक्सीजन के तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हाइड्रोजन का क्या करें, हाइड्रोजन का हम कैसे निकाले, हाइड्रोजन का भी तो पूरा करना है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यदि इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो यह क्या करेगा, इसका जो है उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करेगा। उत्कृष्ट गैस, आपने हीलियम पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में सबसे अलग है, सबसे ऊपर आवर्त सारणी में, इसको कोई भी स्थान नहीं दिया है, इसको सबसे ऊपर रखा गया। जो हीलियम है, हीलियम क्यों रखा गया, हीलियम आप देखोगे तो आपको सबसे जो राइट हैंड साइड में 18 वाला जो वर्ग है उसमें रखा गया है, किसमें, 18 वाले में, तो इसमें रखा गया है हीलियम को। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और हीलियम क्या करता है, उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन में क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। चलो भैया हम ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा ऑक्सीजन से, चलो भैया हम भी यहाँ पर ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी ले लिया, 1, 2 हो गया, इस वाले हाइड्रोजन भी ले लिया, 1 और 2, कितना हुआ, दोनों के इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने भी अपना उत्कृष्ट गैस पूरा कर लिया हीलियम का, और इसने जो है ऑक्सीजन ने जो है अपना अष्टक नियम भी पूरा कर लिया, अष्टक नियम भी पूरा कर लिया, उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त कर ली। उत्कृष्ट गैस जैसे आर्गन का होता है दोस्तों 18, अगर आर्गन का आप जो है परमाणु क्रमांक निकालेंगे,
परमाणु क्रमांक इसका 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे 2 8 8, इसके बाह्य कोष में क्या है, पूरा है, भरा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए जो है आर्गन को क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ऐसे ही हमने जो है इनमें जो है उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करनी है, बाह्य कोष में जो है हमें क्या करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा आवरण बनता है, HO, थोड़ा इस प्रकार से रहेगा ये बैंड, इस प्रकार से जो है इनके बीच में क्या बनेगा दोस्तों, आबंध बनता है H2O। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन की संरचना। तो आपने देखा कि जल कैसा बनाता है, किसका ले लेते हम, CO2। तो आइए अगला एग्जांपल हमारा CO2। CO2 ले लेते हैं, तो भैया कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2, परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 4, कार्बन का 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देंगे। अब हम ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो एक परमाणु को हम कहाँ पे रखेंगे, एक परमाणु को हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरे परमाणु को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो भैया हम जो है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिख लीजिए 2 टन 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 टन, तो यहाँ से भी लिख लीजिए टन 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 टन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है इनका अष्टक नियम पूरा करना है। हाँ जी, इसमें बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना पूरा अष्टक नियम करने के लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि अष्टक नियम इसका भी पूरा होना है, इसका भी होना है। अब कार्बन का हम क्या करें, भैया कार्बन का भी अष्टक नियम पूरा होगा, क्या होगा, कार्बन का भी अष्टक नियम पूरा होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, भैया हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस प्रकार हमारा अष्टक नियम पूरा होगा, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, क्या क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन करेगा कमाल, कार्बन ही तो कमाल करेगा, टिन टिन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो भैया कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। ठीक है, इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, चलो हम ले लेते हैं कार्बन, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, और इस कार्बन 2 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया। हाँ जी भैया, अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें थे 1 2 1 2, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, अब क्या करेगा, इसी में भी इस प्रकार से रहेंगे, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब क्या करेगा अब क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। हाँ जी, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कार्बन भैया हम आपसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन बोलेगा कि कार्बन भैया आप भी हमें क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो आप जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हमारा जो है अष्टक नियम पूरा हो जाएगा, हमारा जो है क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। कारण भैया ले ले बोलते हैं, ऐसा करो तुम दोनों मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तुम दोनों को 2-2 अपने इलेक्ट्रॉन देता हूँ, और इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, आपसी में जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। तो आपस में एक दूसरे की मदद कर लेंगे, तो इस भैया ने बोला ठीक है भैया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, इस भैया ने बोला कि मेरे पास भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको कितने दे सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने बोला तो ठीक है तुम अगर 2-2 देते हो तो मेरा जो अष्टक नियम पूरा हो जाता है, तो इसका भी अष्टक नियम पूरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक नियम पूरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा होगा। तो इन दोनों के बीच में बंध कैसा बनेगा, इसने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके बीच में बंध कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा।
बन गया डबल बॉन्ड। तो कार्बन की कार्बन और CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देखा होगा, CO2 इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये है कार्बन ऑक्सीजन CO2 जिसको मिलाकर क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो परमाणु ऑक्सीजन के जुड़ेंगे, एक कार्बन परमाणु और दोनों मिलाकर क्या बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ले लेते हैं एक तीसरा, ये था डबल बॉन्ड वाला, अब ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड टू एच टू, इसे क्या कहेंगे इथाइन। आपने पढ़ा होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन डबल बॉन्ड एल्कीन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, तो ये है सी एच टू, एक है मैथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझेंगे। तो कार्बन के कितने हैं दो, तो भैया हम कार्बन के दो चिपका देते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं दो, भैया हम हाइड्रोजन के दो चिपका देते हैं। सी टू एच टू, ठीक है, हम क्या करेंगे भैया इसे अपना अष्टक नियम पूरा करना है, इसे भी अपना अष्टक नियम पूरा करना है, इसे भी अपना अष्टक नियम पूरा करना है, तो कैसे करेगा। हमें पता है कि कार्बन के बाह्य कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि बाह्य कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कितने चाहिए चार, इसे अपना बाह्य कोश पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी चार इलेक्ट्रॉन चाहिए और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना एक एक, जिससे यह दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इसकी संरचना कैसी हो जाती है हीलियम जैसी, उत्कृष्ट गैस जैसी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो भैया हमने कहा यहाँ से हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ से ले लेते हैं हम कार्बन, यहाँ से ले लेते हैं कार्बन, यहाँ से ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड हम दर्शा देंगे। अब क्या करेगा, इसमें कितना चाहिए इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, कितना दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, क्या करेगा इसको कितना चाहिए, इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, सबसे पहली बात एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार इसके हमने चार इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन का पूरा कर लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन का पूरा हो गया दो अष्टक नियम, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसने प्राप्त कर लिए, इस वाले हाइड्रोजन का भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा कार्बन कैसे करेगा, ये वाला कार्बन अपना अष्टक नियम पूरा कैसे करेगा, कैसे करेगा ये, कैसे करेगा ये, क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से लेगा, ले लिया कितने ले लिए तीन ले लिए ना, इसको अष्टक नियम पूरा करना अपना, कैसे करेगा एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से है, अब उसने चार इलेक्ट्रॉन कैसे लेने हैं, चार इलेक्ट्रॉन तभी तो लेगा जब वह एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन से लेगा और तीन इलेक्ट्रॉन हो कार्बन से लेगा, यानी कि चार एक दो तीन चार पांच, पांच ये हो गए और तीन हो किससे लेगा कार्बन से लेगा। इसी प्रकार ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, ये वाला कार्बन बोले भैया हमें भी दे दो, जब हमने आपको उधार दिया है तो आप हमें उधार क्यों नहीं दे रहे हैं, बोलो भैया ले लो आप भी उधार ले लो। ठीक है, इससे भी अपना अष्टक नियम पूरा कर लिया ना, इसके बाई कार्बन के पास कितने थे चार थे, हमने दर्शा दिए एक दो तीन चार दर्शा दिए ना, ऐसा इसलिए दर्शाया है क्योंकि जो है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए एक कार्बन जो है इसको तीन इलेक्ट्रॉन देगा और ए वाला कार्बन इसको तीन इलेक्ट्रॉन देगा और एक 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 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो इससे लेंगे, इस प्रकार से जो है इनका अष्टक नियम पूरा हो जाता है। आप जो है देखेंगे किस प्रकार से, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन तीन कार्बन तीन ये आहा, ठीक है, इस प्रकार से अब देख लीजिए कैसा बॉन्ड बनेगा, टन 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 बन गया, ये है सी एच सी टू एच टू की संरचना। इस प्रकार से जो है यह अपना जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो यह क्या करते हैं
अष्टक नियम पूर्ण करते हैं, अष्टक नियम पूर्ण करते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपने ये सीखा होगा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो हमने अभी तक पढ़ा था दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही सहसंयोजी बंध है। हमने दो परमाणु लिए, हाइड्रोजन CO2 लिया, फिर हमने क्या लिया था C2H2 लिया था, फिर हमने उससे पहले क्या लिया था, उससे पहले हमने लिया था H2O का लिया था। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से यह बंध बनाते हैं, तो इनके बीच में कितना बनेगा सहसंयोजी बंध, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। और तीनों बॉन्ड जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए है। अब नाइट्रोजन एक एग्जांपल रह गया, नाइट्रोजन का N2 का, हमें N2 का कैसे निकाले, बोला हमने नाइट्रोजन के दो परमाणु है, हमने कहा भैया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको कितना चाहिए, इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब क्या बोलेगा ए वाला नाइट्रोजन, बोलेगा भैया मुझे अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 2 3। और ए वाला नाइट्रोजन बोलेगा भैया अपने मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, आपने मेरे तो ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन, अब मुझे वापस दे दो। तब ये बोलेगा भैया ठीक है तुम, मैंने ले लिए, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आप वापस ले लीजिएगा। इस प्रकार इन दोनों के बीच में कैसा बनेगा एन, 1 2 3 1 2 2 3। ये बोलेगा भैया ले लो आप मेरे से, ले लो भैया आप जो है मेरे से 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। ये बोलेगा भैया तेने 3 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब वापस भी कर दो। ये बोलेगा भैया ठीक है ये लो आप अपने वापस ले लीजिए। तो इन दोनों के बीच बन गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितने 5 होते हैं ना, नाइट्रोजन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। कैसे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन 2 5, ये वाला ठीक है 5 होता है। तो इसमें बोला भैया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर दिए, इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर दिए। अब ये भैया दोनों खुश हो गए, ये बोले कि अब हमने जो है एक दूसरे की मदद की, अब हम दोनों क्या बनते हैं, दोनों मित्र बनते हैं। तो ठीक है, इन्हें बोला ठीक है भैया हम दोनों की दोस्ती पक्की, अब हम दोनों जो है पक्के दोस्त बन गए। इसने बोला कि बहुत पक्के, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 2 3 N, इस प्रकार से जो है आपकी नाइट्रोजन की संरचना रहती है। तो यही है दोस्तों सहसंयोजी आबंध, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो है सारे जो परमाणु मिलकर जो है अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक था सहसंयोजी आबंध। हमने जो है पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने में। यदि आपको अच्छा लगा होगा सेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है बोलने में, कभी कभार गलतियां भी हो जाती है, लिखने में कई बार हो जाती है, बोलने में हो जाती है, दर्शाने में हो जाती है, इस प्रकार की त्रुटियां अगर आपको नज़र आती हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। यदि आप कमेंट करोगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बेकार पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं सुधार करूँगा। यदि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ तो मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यदि मैं जो है अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उसको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों। अगला जो हमारा रहेगा क्या रहेगा,